परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जैसे अभी हमने डिक्शनरी वाली प्रॉब्लम देखी थी, उसी तरह से लेटर बॉक्स वाली प्रॉब्लम में भी बहुत कंफ्यूजन होता है और अक्सर इसमें आंसर्स हमसे गलत निकल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बोलूं कि 4 लेटर्स हैं पोस्ट इन 3 लेटर बॉक्स, सपोज 3 लेटर बॉक्स में अपने को पोस्ट करना, तो इसमें ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको इस तरह से मिलेंगे 3 पावर 4, 4 पावर 3, 4 3 12, 4 P3, लाइक दिस, और काफी कंफ्यूजन होता है। तो जब भी लेटर बॉक्स लेटर की प्रॉब्लम हो, फिंगर्स और रिंग की प्रॉब्लम्स हो, प्राइज और चिल्ड्रन की प्रॉब्लम हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका यह होता है कि पहले आप समझिए इसमें बेस क्या है। बेस क्या है मतलब जैसे अभी यहां पर हम देखें तो लेटर और लेटर बॉक्स में बेस है लेटर बॉक्स, यानी लेटर बॉक्स की पोजिशन फिक्स होती है। जैसे अगर अभी हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमको 3 लेटर बॉक्स दिए, थोड़ा इमेजिनेशन करना है आपको, 3 लेटर बॉक्स दिए हुए हैं। अब जब हम लेटर पोस्ट करने जाएंगे तो फर्स्ट लेटर को हम या तो इस बॉक्स में पोस्ट करेंगे और इस बॉक्स में पोस्ट करेंगे और इस बॉक्स में, यानी या तो इसमें या इसमें या इसमें, फर्स्ट लेटर को पोस्ट करने की देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। तो पहले लेटर को हम 3 वे से पोस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट लेटर को भी पोस्ट हम 3 वे से कर सकते हैं, सेम लेटर्स को 3 वे से एंड 3 वे से, 3 पावर 4। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ बच्चे इसमें 4 to the power 3 लिखते हैं, वो इसलिए कि उनका सोचना होता है 4 लेटर इसमें 4 लेटर इसमें 4 लेटर इसमें। नो, आप ध्यान रखिए कि लेटर को हमें पोस्ट करना है और बॉक्स फिक्स है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि 7 लेटर पोस्ट इन 5 बॉक्स, क्या होगा बताइए। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको 5 बॉक्स की इमेजिनेशन लेनी है कि आपके पास 5 बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस हैं और इसमें आपको पोस्ट करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। फर्स्ट लेटर को पोस्ट करने के हाउ मेनी वेज, आइदर दिस और दिस और दिस वन और दिस वन और दिस वन, 5 वेज। नेक्स्ट के लिए अगेन 5, 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 इस तरह से टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 5 पावर 7। नॉर्मली इस तरह की प्रॉब्लम में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, बट इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप ध्यान रखिए कि आप पहले ये डिसाइड करिए कि बेस क्या है और फिर उसके बाद आपको पावर अपने आप मिल जाएगा। तो बेस को फिक्स रखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपसे कभी भी किसी तरह की मिस्टेक्स नहीं होगी। कभी कभी इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, आपने देखा होगा जैसे 4 रिंग फिंगर्स हैं, उसमें आपको 5 रिंग्स को अरेंज करना है, तो क्या होगा। तो सिंपल, ये 4 फिंगर्स हैं, 5 रिंग्स हैं, पहली रिंग को हम इस फिंगर में पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें, यानी फर्स्ट रिंग को पुट करने के 4 वेज। सिमिलरली नेक्स्ट रिंग को भी, हो सकता है हम एक ही फिंगर में 2 या 3 रिंग पहन लें, अगली रिंग को भी हम पहना कितने तक तरीके से सकते हैं, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस, देन अगेन 4 नेक्स्ट 4 नेक्स्ट 4 नेक्स्ट 4, यानी 4 रेस्ट टू द पावर 5।